Assalamu alaikum student, I am Salman Hassan, welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. Student, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट, तो बेसिकली टू स्टेटमेंट या टू टर्म्स दी गई हैं, इनको हमने प्रूव करके दिखाना है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा. तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है. बेसिक जो हमारे ये फार्मूलाज है, इन फार्मूलाज को यूज करते हुए इसके सिंप्लीफाई करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हमें कहा गया है प्रूव दैट कोस अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कोस अल्फा एंड 2 कोस बीटा, मतलब 2 कोस अल्फा कोस बीटा. तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि बेसिक ये फार्मूलाज को हम यूज करेंगे, इन फार्मूलाज की मदद से इनको एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की. तो बेसिक फार्मूलाज को यूज करते हुए हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे. पेपर पॉइंट व्यू से कहूँ तो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ज्यादातर नहीं आते, रेगुलर नहीं आते, लेकिन आते हैं. तो आपने इनको पेपर पॉइंट से तैयार करना है. तो चलें जी, यहां पे हम इसको करते हैं एंड, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो भाई यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं, जो कि दी है ये. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया कि वेरीफाई करें या प्रूव करके बताएं कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल आ जाएगी. तो चलिए जी, इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस बीटा हो रहा है, और ये इक्वल है साइन स्क्वायर अल्फा के और ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा के. तो ये इसके इक्वल लेके आना है, ये वेरीफाई करना है. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक करेंगे, टेकिंग लिख दें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे. इसके ऊपर बेसिक फार्मूला जो हमारे हैं उनको यूज करते हुए साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के, उसको एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करते करते ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड चीज हमारे पास आ जाएगी और प्रूव हो जाएगा. तो चलिए जी, टेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा. ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड चीज ले ली. तो यहां पे हम लोगों को एक बात पता है कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है और एक साइन अल्फा माइनस बीटा का एक फार्मूला होता है. तो भाई साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी बेटा, और कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी, ये एक फार्मूला होता है. इधर प्लस है तो इधर प्लस, इधर है साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी, और कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये माइनस है. इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है. तो ये दो फार्मूला इधर पुट करते हैं और इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं. तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी, एंड प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी बेटा. तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है अब किससे, साइन अल्फा माइनस बीटा. तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा से. सही जी बेटा. अब यहां पे क्या होगा, एक चक्कर होगा, वो चक्कर जो है जरा देखिएगा क्या होगा सिंप्लीफाई के लिए. अगर चाहें तो उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे इनसे, तो एक अच्छा खासा मुश्किल चीज जाएगी. लेकिन हम अपना अगर अभी दिमाग यूज करें, क्योंकि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हम अभी अपना एक दिमाग यूज करें, वो दिमाग क्या कह रहा है कि भाई ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर के. कैसे जरा देखिएगा, साइन अल्फा, ये इसको जरा देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा कोस बीटा एंड कोस अल्फा साइन बीटा. तो यहाँ पे जरा देखिएगा, साइन अल्फा एंड कोस बीटा ये बिल्कुल सेम है, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, तो ये मेरा ए बन गया, और कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, और ये मेरे पास बी बन गया, है ना बेटा. तो जरा देखिए, एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हम इसको इक्वल कर देंगे ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, हमारे लिए आसानी है. तो सिंपल इस फॉर्मूले से हम इतनी बड़ी टर्म्स को सोल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे जरा देखिएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ए हमारे पास समझे यहाँ पे साइन अल्फा एंड कोस बीटा है, सही है ना, ये पूरा ए है इसका स्क्वायर, एंड माइनस बी, तो बी हमारे पास यहाँ पे कोस अल्फा एंड साइन बीटा है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिया. अब आगे क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इन दोनों टर्म्स के ऊपर आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा
कोस स्क्वायर बीटा माइनस इसी तरीके से ये जो स्क्वायर है किसके ऊपर आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा पे, और ये साइन स्क्वायर बीटा पे आएगा। अक्सर बच्चों का एक ड्यूरिंग जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ उनका कॉमन सा क्वेश्चन होता है, सर ये जो स्क्वायर है वो तो अल्फा पे आएगा और बीटा पे आएगा। नहीं भाई, वो तो बिल्कुल एक एंगल है, उनके ऊपर नहीं आएगा। ये जो स्क्वायर होगा साइन के ऊपर आएगा, कोस के ऊपर आएगा। तो काइंडली ये गलती से मिस्टेक ना कीजिएगा, ये जो स्क्वायर्स जो होंगे वो एंगल्स के ऊपर नहीं आ रहे होते। सही है बेटा। अच्छा जी, तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं, अब आगे क्या करने जरा वो देखें। स्टूडेंट हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड चीज ली थी, उसको सॉल्व करते करते यहाँ पे आ गए। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें, साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, इसके अंदर में फार्मूला यूज करूंगा। वो फार्मूला क्या है कि भाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये फार्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, अपनी आसानी के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड चीज आ जाए। और ये क्यों कर रहा हूँ अभी पुट करने के बाद बताऊंगा, ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर बीटा यानी कि जो एंगल दिया है उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इस तरह कि भाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस स्क्वायर थीटा के। तो भाई सिंपल जो कोस है उसके अंदर ये फार्मूला यूज करूंगा। तो क्या करूंगा, यहाँ पे जरा देखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, अब ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर बीटा, तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा आ गया, तो यहाँ पे जब बीटा है तो यहाँ पे बीटा ही आएगा। ठीक है जी, ये तो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी थी ना इसीलिए। अब यहाँ पे क्या है, ये है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बेटा, तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तो मैंने यही लिखा हुआ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ थीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं, तो काइंडली इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर बीटा। सही जी बेटा, ओके हो गया। अब जरा देखिएगा, ये जो एक टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी इससे भी और इससे भी, इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी। समझ रहे ना, ये चीज बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो चलें जी आए मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर बीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना बेटा, ये अब इसके बाद क्या करेंगे। अब जरा देखिएगा, ये साइन स्क्वायर बीटा है, तो बेटा ये साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरा देखिए साइन स्क्वायर बीटा और ये इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा वो आ जाएगा। अच्छा, बाहर है माइनस, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे। सही ना बेटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन इंटू साइन स्क्वायर बीटा, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सही ना बेटा, तो ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा हो गया। अब जरा देखें कोई चीज कटकटा रही है, जी बिल्कुल कटकटा रही है। कैसे, साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा एक ये है, और साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा ये माइनस का और ये प्लस का एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो साइन स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सही है बेटा, तो जरा देखिएगा यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, तो आपने मतलब ये एक दूसरे के कैंसिल आउट हो गए, तो साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया। तो क्या ये प्रूव हो गया, जी बिल्कुल हो गया। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा यही तो चाहिए था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि भाई ये जो चीज है वो इसके इक्वल है। और लिखना चाहे तो ये चीज लिख दें फुल प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हिंस प्रूव, ये प्रूव हो गया ये जो है वो इसके इक्वल है। तो हिंस प्रूव ये इसके इक्वल है बिकॉज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे आके आपका आंसर होता है कंप्लीट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये चीज दी गई थी, इसके अलावा इक्वल लेके आना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया। अब अक्सर बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोस स्क्वायर को खोलना है, हम चाहते तो साइन स्क्वायर को भी खोल सकते थे। तो भाई यहाँ पे मैंने देखना है कि भाई मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए उसके अंदर सिर्फ साइन होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कोस को खत्म करना है। तो कोस को खत्म करने के लिए कोस
खत्म हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट करी इन द फॉर्म ऑफ साइन, तो ऑटोमेटिकली कोस खत्म हो गया और मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर को पुट किया था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके ये पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ और फिर क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 ले लिया है, जो कि पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड चीज लाएंगे और इसको कहेंगे ये प्रूफ हो चुका है। चले जी आए चलते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद कोस अल्फा प्लस बीटा एंड इन टू कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी, इक्वल टू है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सही जी बेटा, तो ये एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाए। तो कोस अल्फा माइनस बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया ये। तो अगेन यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज करना है, वो फार्मूला यूज करने के लिए ब्लैक मार्कर की जरूरत होगी कि भाई सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो कोस अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। तो कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा के माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा के, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे कोस अल्फा माइनस बीटा का भी फार्मूले की जरूरत है। तो भाई कोस अल्फा कोस बीटा जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो ये साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। तो इन फार्मूलाज को पुट करते हैं इसके अंदर और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जरा देखिएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा इसके फार्मूले के तहत क्या हो जाएगा, कोस अल्फा एंड कोस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ठीक है जी। इसके अलावा ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा से। तो कोस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा के, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगेन फार्मूला एक यूज हो रहा है, वो कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कैसे जरा देखें, यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है साइन कोस अल्फा कोस बीटा, ये ए है और ये साइन अल्फा साइन बीटा ये बी है। तो इसी तरीके से देखिएगा, कोस अल्फा कोस बीटा अगेन ए रिपीट हो गया और ये साइन अल्फा साइन बीटा अगेन ये बी रिपीट हो गया। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर। सही है जी बेटा, तो भाई कोस अल्फा कोस बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है जी, और बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास यहाँ पे है साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करते हैं तो कोस का स्क्वायर फिर कोस का स्क्वायर, ये भी कोस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी बेटा, और यही स्क्वायर साइन के ऊपर भी आएगा, ठीक है जी, और ये साइन स्क्वायर के ऊपर आएगा, ठीक है जी। अच्छा ये काम हो गया, अब आगे क्या करना है। तो भाई आगे हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमें चीज चाहिए ये, मतलब कि ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हम इधर ऐसा क्या काम करें कि हमारे पास ये आ जाए। तो इधर हम एक्सपेंड करते हैं किसी कोस अल्फा, अच्छा जी, तो मुझे यहाँ पे चाहिए कोस अल्फा ना, सही है बेटा, तो मैं इधर एक्सपेंड करता हूँ कोस बीटा को, ऐसा ही है बिल्कुल। कोस अल्फा इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और कोस, बिल्कुल सही है, कैंसल आउट हो जाएगा, सही है। तो अच्छा, तो भाई अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर मतलब साइन बीटा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं एक्सपेंड करूंगा वो किसको करूंगा, कोई खत्म, जिसको जो चीज नहीं है उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड करूंगा कोस स्क्वायर बीटा को, तो यहाँ पे मुझे फार्मूला पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, समझ रहे हैं इस चीज को। हमें कैसे पता चलेगा हम अल्फा को एक्सप्लेन करेंगे या बीटा को, हम इधर इस चीज को देखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना है वो अल्फा चाहिए, तो अल्फा को हम नहीं एक्सपेंड करेंगे, सिंपल कोस को एक्सप्लेन वो करेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले से। चल जाए पुट करते हैं, तो भाई ये है कोस स्क्वायर अल्फा एंड कोस स्क्वायर बीटा, तो कोस स्क्वायर बीटा इक्वल हो जाएगा इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, अब यहाँ पे बीटा है तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन के साथ बीटा लिख दिया। अब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, तो अब जरा देखिए आगे क्या करेंगे, ये कोस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। नहीं, गड़बड़ी है भैया। अच्छा हाँ, ये कोस हाँ ना, कोस स्क्वायर चाहिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अच्छा, और इसको साइन बीटा यहां से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चों,
यहाँ पे आप जरा देखिएगा ना, एक और चीज भी तो है ना कि भाई यहाँ पे देखिएगा साइन बीटा है तो साइन अल्फा नहीं चाहिए, तो साइन अल्फा को भी एक्सप्लेन करेंगे ना। तो भाई साइन अल्फा का क्या होगा, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, सही है ना बेटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको अभी काट दें ठीक है ना, डायरेक्ट एक साथ वैल्यू डालूंगा ठीक है ना, एक दोनों वैल्यू एक साथ डालूंगा। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, बेसिकली मैंने देखा कि जो चीज मुझे प्रूव करनी है वहां पे मुझे कोस अल्फा चाहिए और साइन बीटा चाहिए, समझ रहे। तो इसका मतलब ये कि कोस बीटा की वैल्यू की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और इसी तरीके से यहाँ पे साइन अल्फा नहीं है तो साइन बीटा की भी वैल्यू की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इनको मैं एक्सपेंड कर दूंगा इनके फॉर्मूले से। तो कोस स्क्वायर बीटा को खत्म करने के लिए कोस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, और कोस साइन अल्फा तो साइन को खत्म करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो बेसिक आइडेंटिटीज है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगी। इनको यूज करते हुए इसको उधर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी। ये मैं क्यों खत्म कर रहा हूं, मुझे पता है कि यहां पे अल्फा है ना, तो इसलिए मैं अल्फा को रहने दे रहा हूं क्योंकि वो मुझे चाहिए बीटा को खत्म करना है, और यहां पे मुझे साइन अल्फा नहीं चाहिए तो इसीलिए साइन अल्फा को खत्म कर रहा हूं, समझ रहे, इस चीज को याद रखिएगा। चले जी आ जाए, तो भाई कोस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर बीटा, तो इसको एक्सपेंड करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है जी बेटा। फिर इसके बाद है माइनस, अब यहाँ पे जरा देखिएगा साइन यहाँ पे क्या होगा, तो साइन स्क्वायर क्योंकि मुझे अल्फा खत्म करना है ना साइन वाला, तो साइन अल्फा किस साइन किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के, ठीक है जी बेटा। और ये इसके बाद इसके आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर बीटा। चले जी अब इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोस को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा स्क्वायर एंड साइन बीटा, ठीक है जी बेटा। इस चीज को भी उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं, अब ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन स्क्वायर बीटा, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर बीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। बाहर है माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा, अगले स्टेप में ये माइनस अंदर भेजता हूँ और इनका साइन चेंज कर देता हूँ। तो भाई कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस अंदर गया तो साइन चेंज हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर बीटा, माइनस है तो ये प्लस हो गया कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, सही जी बेटा। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो जरा देखिएगा कुछ चीज कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों चीजें सेम है, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अब जरा देखिएगा कैसे कोस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर जी बेटा आ गया। तो अब जरा देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई ऑटोमेटिकली कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बीटा, तो साइन कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आ गई है। तो यहाँ पे आप ये चीज को देख रहे हैं कि एम ही नहीं आपने कभी मतलब कि कोस स्क्वायर अल्फा को अगर एक्सपेंड कर दे तो मसला हो जाता, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर बीटा को एक्सपेंड कर दे तो आपका आंसर कभी आता ही ना। तो इस चीज को आपने जरूर देखने कि किस चीज को ओपन करना है, भाई जो चीज चाहिए अल्फा चाहिए और कोस साइन बीटा चाहिए तो आपने उनको रहने देना, और जो चीज नहीं चाहिए उनको एक्सप्लेन कर दे एक्सपेंड कर दे ताकि आपको वो चीज कट जाए और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वेरीफाई करने का वो आ जाए, मतलब ये जिंदगी भर भी नहीं होगा, सही है जी बेटा। तो यहां पे आप अब लिख सकते हैं हिंस प्रूव के, भाई ये प्रूव हो चुका है बिकॉज क्योंकि लेफ्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर में। आसान है, बिल्कुल इन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है, और ये बेसिक फार्मूलाज जो है काइंडली इन फार्मूलाज को जरूर याद कर लें। मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ कि भाई ये तो फार्मूला बेसिकली एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं इतना यूज नहीं होता। तो मेन जो चीज है वो ये फार्मूलाज है, इनको काइंडली याद कर लें अगर आपको चैप्टर पूरा चैप्टर 10 काम करना है, और ये फार्मूलाज आपको आगे की भी एक्सरसाइज आगे के चैप्टरों में भी काम आएंगे। तो काइंडली आपने इनको जरूर याद करना है, इन फार्मूलाज को प्लीज। भाई क्वेश्चन नंबर 7 ले चुके हैं, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है, इक्वल आनी है राइट हैंड साइड के। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा है कोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल आना चाहिए टू कोस अल्फा एंड
साइन कोस बीटा के, ये इसके इक्वल आना है। तो भाई हम सबसे पहले टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ताकि राइट हैंड साइड आ जाए और हम कह देंगे भाई वेरीफाई हो गया है, सही है जी। तो चले जी, तो भाई कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई थी वो ले लिया। अब यहाँ पे मुझे पता है कि अपना दिमाग लगाऊंगा, तो भाई इस दिमाग में मुझे पता चलेगा कि भाई ये कोस अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है जी। कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा के, मैं इतने बार ये कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो चुके होंगे। और इसी तरीके से भाई कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो बेसिक इन दो फॉर्मूलों को यूज करेंगे और अपना आंसर देंगे। तो भाई कोस अल्फा प्लस बीटा पुट करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा दी माइनस दी साइन अल्फा दी साइन बीटा। तो भैया अबे यार कसम से बोर हो जाता हूँ पढ़ा पढ़ा के। तो अच्छा जी, तो भाई ये आ गया कोस अल्फा माइनस है, तो भाई कोस अल्फा माइनस किसके इक्वल होता है, भाई कोस अल्फा कोस बीटा एंड द माइनस दी विच आई पुट माइनस प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर प्लस एंड साइन अल्फा। चले सीरियस हो जाए भाई, बहुत हो गया मजाक। अच्छा जी, तो भाई सिंपल हमने क्या किया, इसको इधर एक्सप्लेन कर दिया, इसको इधर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो अब आगे क्या करेंगे जरा देखते हैं। कुछ कट कट आ रहा है जी, बिल्कुल कट कट आ रहा है ये भाई। साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा दोनों सेम है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, कोस अल्फा एंड कोस बीटा, और उसके अलावा यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास कोस अल्फा एंड कोस बीटा बच जाता है। तो अगेन एक एंड एक दो, ठीक है एक और एक दो, तो भाई कोस अल्फा कोस बीटा ये हो गए हमारे पास दो, सही जी बेटा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड, याद रहे कि अक्सर बच्चों सरों को मैंने देखे कि ये प्रूव लिखते हैं, प्रूव्ड नहीं लिखते, तो उस पर भी गुस्सा कर देते हैं कि बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, सेकेंड ईयर में आ गया है, कि भाई हिंस प्रूव्ड होता है यानी कि अप्रूव हो चुका है, तो हिंस प्रूव्ड लिखना होता है। अक्सर बच्चे प्रूव लिख रहे होते हैं, ये बोर्ड तक की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड के लेवल की, कि अक्सर सर इतने सीनियर हो जाते हैं इस बात पर नंबर काटते हैं, ठीक है। तो काइंडली आपने एक चीज़ को अगर फुल मार्क्स का लेने का प्लान है, अगर 100 में से 100 है तो प्लान है, मिलते हैं भाई फुल मिलते हैं, तो अगर लेने का चांस है तो कोशिश करेंगे तमाम कोई भी गलती से गलती ना करें, ठीक है। तो भाई हिंस प्रूव, तो भाई क्या प्रूव हो गया है कि भाई कोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टू कोस अल्फा कोस बीटा। तो भाई हिंस प्रूव के ये जो है वो इसके इक्वल है, बिकॉज क्योंकि क्यों इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दिस इज योर आंसर। तो काइंडली इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन किया करें, तो मेरा मेन मकसद यही है ऐसे पेजों पे करवाने का कि आप खुद, क्योंकि बोर्ड पे तो करवा देते हैं बच्चा समझ जाता है लेकिन प्रेजेंट नहीं करता बोर्ड की कॉपी के ऊपर, जब भी आपके फिर मार्क्स कटते हैं। तो काइंडली एक एक चीज़ इसलिए प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपका भला हो जाए, अच्छे मार्क्स ले लें, अच्छी यूनिवर्सिटी ले लें और पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, कोई काबिल बने, ताकि आप सेकेंड ईयर के बाद ये ना करें कि अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दें, हायर स्टडी की तरफ ना जाएं, कुछ ना कुछ आपका हो जाए, ठीक है ना, बहुत दिमाग खुलता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम इंशाल्लाह मतलब इसको करते हैं एंड, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, फिर इंशाल्लाह ये लेक्चर मतलब ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, और कोई भी नई वीडियो आए तो उसको ज़रूर लाइक कर दिया करें, इससे ये होता है कि नए बंदों को ये वीडियो या चैनल रेफर्स हो जाता है, और हो सके तो कमेंट में भी अपनी राय दे दें कैसा है चैनल और क्या डिफरेंस चाहिए आपको इस चैनल के ऊपर, क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं ज़रूर देखूँगा उन्हें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।